इसलिए सीता जी को खाने दौड़ी, ये वाल्मीकि रामायण में कथा है। राक्षसी थी, सीता जी को मारने चली, ये लड़का फ्री हो जाएगा तो फिर हमसे विवाह करेगा। तब तक तो भगवान ने इशारा किया लक्ष्मण जी को, अपने अंगुली से ऐसे इशारा किया, नाक पर कान पर। लक्ष्मण जी समझ गए भगवान के साथी हैं, भाई हैं, भगवान की इच्छा को समझ गए। तुरंत तलवार खींच करके उसके नाक कान काट दिए। जो कुछ भी हुआ, नाक कान काटा गया सुरपणखा का, ये भगवान राम की कथा है। त्रेता युग में सब समय तो फैला ही होगा, द्वापर के अंत तक भी ये कथा जैव कहते हैं प्रसिद्ध। तब तो गोपियां चर्चा कर रही हैं। इतने दीर्घ काल तक भगवान की कथाएं चलती रहती थी, स्त्रियों तक को पता है कि भगवान राम ये लीला किए। आजकल के बोका लोगों को संदेह होता है, राम समुद्र बांधे थे कि नहीं बांधे थे, अब जा करके नापेंगे देखेंगे। ये सब दुष्ट हैं, राक्षस, ये रावण के ही समाज के लोग हैं जो इस तरह से राम पर संदेह करते हैं। ये कलयुग है, कलयुग में कुछ भी असंभव नहीं है। उस समय गोपियों को ये बात सब मालूम थी, भगवान राम के बारे में पूरा जानती थी, कथाएं मालूम थी। गोपियां कभी कभी अनुकूल भी बोलती थी कि कृष्ण से रामचंद्र जी बहुत अच्छे स्वभाव के थे, इनके बारे में झूठ बोलना, कपट करना गोपियों को छोड़ करके चले गए। तो उस समय गोपियां कहती हैं, एक पद है इसमें, हम हरिशों भलो सुपति सीता को, सूरदास जी लिखे हैं। इसका पहला लाइन है कि हरिशों भलो सुपति सीता को, हरि से श्री कृष्ण से सीता जी के पति बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे स्वभाव के थे। अभी कह रहे हैं कि वो उस जन्म में भी बिल्कुल गायब थे, कठोर थे, निर्दय थे। कभी किसी समय ये कही हैं कि हरिशों भलो सुपति सीता को, श्री कृष्ण से श्री कृष्ण की अपेक्षा सीता के पति अच्छे स्वभाव के थे। केवल इसलिए कह रहे हैं कि वे स्त्री से प्रेम करते हैं। सीता जी चोरी चली गई तो पुल बना दिए, सेतु बनाए, कहाँ कहाँ आप इतना प्रयास किए। हरि सो भलो सो पति सीता को, हरि सो भलो सो पति सीता को, बन बन खोजत फिरे बंधु संग, 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 कियो सिंधु बीता को, सिंधु को समुद्र को बीता भर कर दे, बीता इतने बड़ा होता है, इसका मतलब बहुत छोटा किए, पुल बनाए, सेतु बनाए। बन बन खोजत फिरे बंधु संग, बन बन खोजत कियो सिंधु बीता को, हरिशों भलो सुपति सीता को, हरिशों भलो सुपति सीता को। कोई गायक गा सकते हैं तो गाइए, मैं इसका अर्थ कर लेता हूँ, इसके बाद गाएंगे। जब सीता जी चोरी चली गई तो श्री रामचंद्र बन बन में खोज रहे थे, प्रेम था। और ये इतने कठोर हैं कि वन में कहाँ से खोजेंगे,
छोड़ करके चले गए। ये राधा रानी कह रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, बन बन खोजत फिरे बंधु संग सिंधु की ओर बीता को, रावण मारो लंका जारी मुख देखो सीता को। रावण का वध किए, लंका को भी जला दिए, हनुमान जी जलाए लेकिन भगवान राम को ही कह रहे हैं, लंका जलाए, रावण को मारे और अंततः सीता जी का मुख देखे। दूत हाथ उन्हें लिखने पठाए और निगम ज्ञान गीता को। रामचंद्र जी, रघुनाथ जी कोई सीता को ऐसा पत्र नहीं लिखे जिसमें गीता का ज्ञान सिखाए हो, योग करो, समाधि करो, ध्यान करो, हमको भूल जाओ, ये माया मोह में मत पड़ो, ये तो पत्र लिखे ना गोपियों के पास। वो पत्र आएगा एक दिन, पत्र में उन्होंने हूबहू क्या लिखा है, क्योंकि हम उद्धव जी बोल रहे हैं तो उद्धव जी के लिए कहा जाए श्री भगवान वाच, तो भगवान ने जो भी पत्र में लिखा था वही उद्धव जी सुनाए। तो राधा रानी कहते हैं कि भगवान रामचंद्र, नहीं भगवान नहीं कह रहे हैं क्योंकि इन्हीं के अवतार बता रहे हैं, अवतार भी नहीं जन्म, श्री कृष्ण का जन्म पहले हुआ था। तो उन्होंने दूत हाथ उन्हें लिखी न पठाया, कोई पत्र नहीं लिखा और दूत के हाथ से नहीं भेजा, कैसा पत्र, निगम ज्ञान गीता को, पूरा वेदांत और गीता ये सब पढ़ाए नहीं सीता जी को। ये सूरदास जी के शब्द, निगम ज्ञान गीता को। अबधों कहा परेखो कीजे कुबजा के मीता को, अरे क्या विश्वास किया जाता है, क्या बात कर रही हो, जो कुबजा का मित्र बन सकता है। रामचंद्र तो ऐसे नहीं थे, सीता से प्रेम किए और ये ब्रज सजा करके मथुरा में कुबजा को गर्लफ्रेंड बना लिया। कुबजा के मीता को फ्रेंड कहेंगे ना, मित्र को, वो तो कहीं ऐसा नहीं किए, किसी दूसरी स्त्री से तो नहीं प्रेम किए। लेकिन मथुरा में जाकर कुबजा के मित्र हो गए। जैसे चढ़त सबय शुद्ध भूलि ज्यों पीता चीता को, कोई मदिरा खूब तगड़ा पी लेता है तो क्या वो चेत करता है, भूल जाता है। जैसे चढ़त सबय शुद्ध भूलि ज्यों पीता चीता, किन्हीं कृपा जोग लिखी पठयो निरखु पत्र री ताको, बहुत कृपा किए तो पत्र लिखे, अरे पत्र रखो बस संतुष्ट हो जाओ। सखियाँ आपस में कहते हैं किन्हीं कृपा जोग लिखी पठयो, पढ़ो इसमें क्या किए हैं कि अब आँखों को बंद करके आसन सिद्ध करो और हृदय में मेरा ध्यान करो। कहाँ पहले बांसुरी बजा करके मिलते थे तो अब लिख रहे हैं कि अब बाहर से दिखाई नहीं पड़ेंगे, आएंगे नहीं, अब ध्यान करो, पढ़ो पढ़ो, क्या निरख पत्र रीता को, ताको उनके उसके पत्र को जरा पढ़ो। सूरदास प्रेम कह जाने, सूरदास जी कहते हैं गोपियों के भाव में, गोपियां कहती हैं सूरदास जी के शब्दों में, अरे वो क्या प्रेम जानेगा, क्या प्रेम निभाएगा, घर घर में माखन चाटने वाला चुराने वाला वो प्रेम क्या करेगा। सूरदास प्रेम कह जाने लोभी नवनीता को, नवनीत का लोभी, थोड़े से नवनीत के लिए जो घर घर चोरी करता था, और हम लोग कहते थे कि थोड़ा सा नाच दिखाओ तो बस नाच चालू करता था, छछिया भरे छाछ पर, छछिया कहते हैं जो छाछ देने के लिए छोटा बर्तन होता है जिसे ग्वालिने नाप नाप करके देती हैं, मतलब पा भर का,
पाप भर छाछ के लिए जो नाचता था, भीख मांगता था, यहाँ तक कि चोरी करता था, वो क्या प्रेम निभाएगा। अच्छा थे रामचंद्र, यह नहीं है कि अब रामचंद्र से प्रेम करने के लिए बात कहती हैं। ये प्रेम तो इनका कृष्ण से ही है, लेकिन कभी याद आ गए तो इस तरह से बोलती हैं। ठीक है, जाएंगे। कौन जाएंगे? आप जाएंगे? ठीक है, जाएंगे। हरि सो भलो सो पति सीता को, हरि सो भलो सो पति सीता को, हरि सो भलो सो पति सीता को। बन बन खोजत फिरे बंधु संग, बन बन खोजत कियो सिंधु विताको, कियो सिंधु विताको, हरि सो भलो सो पति सीता को, हरि सो भलो सो पति सीता को, हरि सो भलो सो पति सीता को। रावण मार्यो लंका सबे सुधी भूली,
कपिंद्रम विभ्यधे लुब्ध धर्म कौन जल्प है अवजल्प मृगयुर्व कपिंद्रम विभ्यधे व्याध की तरह उसने बानर राजबाली का वध किया पूर्व जन्म में और बल्कि अ भी है अलग अलग से अलुब्ध धर्म अलुब्ध धर्म का अर्थ यह है कि बेचारा बहेलिया वध करता है किसी जीव का तो वो तो अपनी जीविका चलाने के लिए उसके मांस को लेकर के बेचता है और वो भी बानर का मांस नहीं बेचता है बानर का मांस कोई खरीदेगा ही नहीं है ना पक्का मांसाहारी भी जो होंगे बानर का मांस नहीं खाएंगे बानर का मांस लगभग आदमी का मांस होता है तो इनको न बेचना था न खाना था केवल व्यर्थ हत्या करते रहते ये कहने का आशा ये तो और क्रूर व्यक्ति हुआ ना बिना मतलब के बानर का वध किया और जो काम परवश इनके सौंदर्य से मोहित होकर के आई थी उस स्त्री का नाक कान कटवा लिया और इससे भी पहले हे भ्रमर ये तो क्षत्रिय जब थे तब ये काम किए इससे भी पहले जो हाई पोजीशन पर थे ब्राह्मण में जन्म लिए थे उस समय जबकि ब्राह्मण का धर्म है शांति दया सत्य लेकिन उस जन्म में इतना छल किए बलि महाराज से ऐसा स्वांग बनाया बवना ब्राह्मण बन करके गया ऐसी बातें बनाया कि बलि के दिमाग में क्या हुआ तीनों लोक दे दिया केवल इसकी बातों में फंस करके जन्म जन्म का ये बुरा संस्कार कृष्ण का है एक तो भीख मांगना और दूसरा झूठ बोल करके छल कपट क्या झूठ बोले कि मैं अपने तीन पैर से नापूंगा जमीन इतनी ही हमको चाहिए और बलि कह रहे थे नहीं नहीं और मांगी तो कहा नहीं बस तीन ही काफ़ी है हम भूमिहीन हैं और तीन पग जमीन रहेगी सोने के लिए जगह हो जाएगी ना थोड़ी सी जमीन चाहिए अपना छोटा सा पैर दिखाया और नापना हुआ तो एक पग से पूरा स्वर्ग एक से पाताल और तीसरे के लिए जगह नहीं मिली ये छल कपट है कि नहीं इस तरह से राधा रानी कह रहे हैं पूर्णमासी जी ने सब बताया है
कृष्ण इससे भी पहले क्षत्रिय में जन्म लिए थे और क्षत्रिय से भी पहले ब्राह्मण में जन्म लिए थे, कश्यप जी के यहाँ माता अदिति के गर्भ। और इतना धोखा देने की प्रवृत्ति, इतना छल कपट। तो ठीक है, ले तो लिया ही, बलि ने दे दिया सब कुछ, तीनों लोक दे दिया, अपना देह भी दे दिया, इसके बाद बंधवा करके गिरा दिया। गरुण जी को भगवान ने कहा कि इसको बांधो, तो गरुण जी बांध दिए, भगवान के आज्ञा पालक बलि महाराज को मुसुक चढ़ा करके बांध दिया गया। इसके बाद भगवान बोले, तुम तीन पग भूमि देने के लिए कहा था, तो एक पग से मैंने पाताल तक नाप लिया, दूसरे से स्वर्ग तक, ब्रह्मलोक तक, तीसरे पैर के लिए जमीन कहाँ है? झूठा कहीं, तुम अपने वचन को पूरा नहीं कर पाए, इसलिए तुम्हें नीचे जाना पड़ेगा। तो बलि महाराज घबराए नहीं, बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप एक पग से स्वर्ग तक नापे, एक पग से पाताल तक, और आपका शरीर इतना बड़ा हुआ कि पूरा आकाश भर गया, पर मैं अपने वचन को झूठा नहीं होने दूंगा। मेरे पास जो मेरा था आपने ले लिया, अब मुझको भी ले लीजिए, तीसरा पैर मेरे सिर पर रखिए, मेरे शरीर को ले लीजिए, मतलब मुझे अपना दास बना लीजिए। तो भगवान उसी तरह से कहे, ठीक है चलो। और उन्होंने तीसरा के बेरिया बलि जी देना सिर रोपी, तीसरे पैर के लिए बलि महाराज ने अपना सिर अर्पण किया, भगवान अपने चरण कमल को उनके सिर पर रख, तो सब कुछ ले लिया, बल आत्मसमर्पण किया बलि महाराज ने। ये भगवान की बहुत सुंदर लीला है। तो इसको राधा रानी अब उल्टा ले रही, बलि इतने सज्जन थे, दान दिए, लेकिन दान ले करके ये नमक हराम कृष्ण बांध दिया उनको। दान देने वाले तीनों लोगों का दान दिया और ऐसे व्यक्ति को बंधवा दिया और गिरा दिया नीचे सुतल लोक। सुतल लोक नीचे है, तो नीचे मतलब स्वर्ग से बहुत नीचे। स्वर्ग में राज्य था बलि महाराज का, पूरा भूमंडल था, तीनों त्रिलोकी था, लेकिन इस तरह से किया। तो जो ब्राह्मण होकर के ऐसा क्रूर कर्म करता है, क्षत्रिय होकर के चलो क्रूर कर्म किया तो क्षत्रियों का ऐसा स्वभाव होता है, लेकिन वो भी गलत कह रहे हैं। कोई बानर को मारना, स्त्री के नाक कान काटना, ये तो बहुत बड़ी भारी निर्दयता है। तो सखी ये भ्रमर, ये स्वभाव पहले का ही है, जब कृष्ण ब्राह्मण में जन्म लिए थे तो यहाँ ये काम किए, बामन बने। पौर्णमासी जी से इन्होंने सुना है कि कृष्ण ही बामन के रूप में, ब्राह्मण के रूप में जन्म लिए थे। केशव धृत बामन रूप जय जगदीश हरे, जयदेव जी ने लिखा है। उसका पहला लाइन क्या है? छलयस विक्रमणे बलिमद्भुत बामन, पदनख नीर जनित जन पावन, केशव धृत बामन रूप जय जगदीश हरे। ये सब प्रसिद्ध बात है, संपूर्ण ब्रह्मांड में सबको पता है कि श्री कृष्ण ने वामन अवतार लिया था, श्री कृष्ण ने राम अवतार लिया था। ये श्री कृष्ण, जयदेव जी कहते हैं केशव धृत राम शरीर, केशव धृत हलधर रूप, केशव धृत, केशव मतलब श्री कृष्ण, श्री कृष्ण ने सब अवतार लिया था। कितनी प्रसिद्ध बात है। आज के आदमी को कहा जाए कि भगवान श्री कृष्ण
वामन रूप में पृथ्वी को नापे थे, तो कुछ लोग कहें तो भगवान विष्णु अवतार लिए थे ना, विष्णु भी भगवान श्री कृष्ण के एक अंश हैं। विष्णु महान सही जस कला विशेषम गोविंद माधि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान विष्णु भी जिनके एक कला विशेष है उनको मैं प्रणाम करता हूँ। रामादि मूर्ति और राम आदि भगवत स्वरूपों में भी इन्हीं श्री राम की कला है, श्री कृष्ण की कला है। मैं इस बात की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण को सब लोग जानते थे कि ये भगवान है, सभी लोग, किसी को अविदित बात नहीं थी। जब इस पृथ्वी पर प्रकट थे उसी समय उनकी भगवत्ता प्रकट थी, उनका अद्भुत सौंदर्य और अद्भुत ज्ञान। आज जितने भी ज्ञानी हुए हैं या इसके पहले जितने ज्ञानी ये शंकराचार्य आदि सब ये भगवान कृष्ण के चेला हैं, सभी महात्मा गांधी, विनोबा जी, अरविंद, राधा कृष्णन और इस समय के भी जितने लोग हैं, गीता पर ही बोलते हैं, गीता से अपनी बात का प्रमाण देते हैं कि गीता में भगवान ने ये कहा। तो श्री कृष्ण सबके गुरु हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु। और वह गीता भगवान ने कोई भोर में मनोजोग लगा करके नहीं लिखा, अपने मित्र को युद्ध भूमि में उन्होंने उपदेश दिया, वही सबसे बड़ा ज्ञान ग्रंथ है जगत। गीता के समान और कोई ग्रंथ नहीं है सिद्धांत बताने में। तो श्री कृष्ण का ज्ञान, श्री कृष्ण का वैराग्य सब कुछ बहुत प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण में वैराग्य कितना है आज सुन करके देख करके चकित हो जाएगा व्यक्ति, कि जहाँ सत्ता के लिए इतनी लोलुपता है, हमारे हाथ में आ जाए, हमारे हाथ में आ जाए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किया तो मथुरा का सिंहासन राज्य उनका था, श्री कृष्ण का था, लेकिन भगवान ने राज नहीं लिया, कंस के पिताजी को राज दिया, उग्रसेन जी को। और भगवान स्वयं एक दास की तरह उनके सामने खड़े होते थे और कहते थे, हे देव आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। राज्य नहीं लिए, उग्रसेन जी का राज था। और द्वारका में उग्रसेन जी गए तो वही राजा थे वहां, कृष्ण और बलराम राजा नहीं थे। ऐसे सभी प्रजा मानती थी कि ये स्वामी हैं, लेकिन फॉर्मल पद पर वे नहीं थे। ये वैराग्य और ऐश्वर्य श्री कृष्ण का विदित था। चैतन्य चरितमृत में श्रीमद् भागवत के एक श्लोक की व्याख्या की गई है, उस श्लोक में कहा गया है कि श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं लोकपाल लोग। कहाँ प्रणाम करते हैं? श्री कृष्ण जहाँ चरण रखते हैं, चरण पीठ पर, तो लोकपालों के इंद्र आदि के मुकुट आपस में लगते हैं, लगता है कि कृष्ण का कीर्तन कर रहे हैं। एक बार की बात है, श्री कृष्ण द्वारका में थे तो उनका दर्शन करने के लिए श्री ब्रह्मा जी आए, तो द्वारपाल सब खड़े थे, उन्होंने उनसे पूछा, वे कहे कि मैं द्वारकाधीश से मिलना चाहता हूँ। तो जा करके भीतर भगवान से कहे कि ये चार मुंह वाले ब्रह्मा जी आए हैं और वे आपका दर्शन करना चाहते हैं। तो भगवान ने कह दिया, जाकर पूछो कौन ब्रह्मा, क्या आईडी है उनकी, कौन ब्रह्मा। तो प्रतिहार द्वारपाल जा करके पूछा ब्रह्मा जी से, द्वारकाधीश जी पूछ रहे हैं कि आप कौन ब्रह्मा है।
ब्रह्मा जी का तो दिमाग एकदम खौफ हो गया, क्या हमारे अलावा भी कोई ब्रह्मा है? जो जानते थे कि मैं ही एक ब्रह्मा हूं, थोड़ा झुंझला करके सोए। द्वारकाधीश को क्या हो गया, कौन ब्रह्मा के वो पूछने लगे? तो कह दिए, जाकर कह दो सनत कुमार के पिता ब्रह्मा आए हैं, चार कुमार बहुत प्रसिद्ध हैं, उन चारों कुमारों के बाप आए हैं, ये कह दो पिता आए हैं। तो प्रवेश ठीक है, प्रवेश किया कराया गया। उन्होंने जाकर कहा कि सनत कुमार के पिताजी हैं, बता रहे हैं कि हमारे चार बेटा हैं, और भी बेटा है लेकिन चार का नाम बताए। ठीक है ठीक है, आने दीजिए। भगवान ने बुलाया तो ब्रह्मा जी साष्टांग दंडवत किए, अपने मुकुट के अग्रभाग से चरण पीठ को नमस्कार किया। भगवान श्री कृष्ण बोले, अच्छा आप ठीक से आए ना, और सृष्टि आदि ठीक हो रही है ना? तो ब्रह्मा जी कहे, जी आपकी कृपा से सब ठीक। तब तक ब्रह्मा जी देखे कि आठ मुंह वाले ब्रह्मा आए, और शरीर का साइज भी उसी अनुपात में बड़ा मोटा, आठ मुंह वाले आए। वे प्रणाम किए, प्रणाम करके खड़े हो गए। तब तक 16 मुख वाला ब्रह्मा आए, वो खड़े हुए, तब तक 32 मुख वाला ब्रह्मा, 64 मुख वाला ब्रह्मा, इस तरह से हजारों मुख वाले ब्रह्मा। तो ब्रह्मा की लाइन लग गई, कितने ब्रह्मा। वे लोग आए, जब ब्रह्मा आ गए, और ये ब्रह्मा अब तो बिल्कुल छोटे शरीर वाले लग रहे थे, पहला ब्रह्मा। इसके बाद रुद्र आए, तो उसी प्रकार से अब रुद्र जिनके 5 मुख हैं, तो कोई 10 मुख वाला, 20 मुख वाला रुद्र आ रहा है। तब इंद्र आए, इंद्र आए तो उनसे भी विशेष तेज वाला शरीर वाला एक दूसरा ब्रह्मा आए, तीसरा ब्रह्मा आए, ही आए हुआ है, कई लोग आए, सूर्य आए, चंद्रमा आए, कई देवता आए। तो भगवान का तो चिन्मय भवन है, वो सुधर्मा सभा, उसमें वो खड़े हो रहे थे लोग, सबसे उनके अनुसार भगवान प्रश्न करते थे और प्रणाम करते थे। तब ठीक है ना, ठीक है, उनसे पूछते थे कि जो काम करते हैं उसी के बारे में पूछते थे, आप अपने विभाग को ठीक से संभाल रहे हैं ना? हाँ ठीक से चल रहे हैं प्रभु, आपकी कृपा से। तो ये ब्रह्मा जी जब खड़े हुए, पहला ब्रह्मा जी जो आए थे इन सब के बीच में, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ऐसे खड़े हुए पहला ब्रह्मा जैसे विशाल विशाल हाथियों के बीच कोई खरगोश खड़ा हो, ऐसे दिख रहे हैं, ऐसे दिख रहे हैं। चकित हो गए कि अरे बाप रे बाप, हस्ती गण बीच जैसे शशक असंकित, शशक मन खरगोश को कह, चकित हो गए कृष्ण का ऐश्वर्य देखकर, वैभव देखकर। तो ऐश्वर्य है और कृष्ण का वैराग्य, कृष्ण का सौंदर्य, कृष्ण का धाम, कृष्ण का ज्ञान, कृष्ण की कीर्ति, जस, ऐसा आज तक कोई भी व्यक्ति नहीं सुना गया जिसके जीवन काल में इतना बड़ा जस उसे मिला हो, इतना बड़ा काम किया हो, इतना कीर्तिमान स्थापित किया हो। जब महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया, तो उस यज्ञ में केवल पृथ्वी से ही लोग नहीं आए थे, उच्चतर लोकों से भी आए थे, देवता आए थे। और उस समय ये सुविधा थी, जैसे इस समय सुविधा है कि एक देश से दूसरे देश में लोग जाते हैं, तो उस समय इंटर प्लानिटरी सुविधा थी, इस लोक से लोग स्वर्ग में जाते थे, देवलोक में, और देवलोक से लोग आते थे यहाँ। आपने सुना होगा महाराज दशरथ गए थे स्वर्ग में सहायता करने के लिए, कई कई जी के साथ महाराज मुचकुंद गए थे, तो देवता लोग आते रहते थे,
देवता भी आकर के उस राजसूय सभा में बैठे थे। इतना बड़ा जस, जैसे आज कितना भी कोई बड़ा जसस्वी हो तो इस पृथ्वी पर के देश में उसका नाम फैलेगा, ज़्यादा फैलेगा तो अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, हो सकता है नाम जाए। और वो भी नाम किस लिए जाएगा कि बहुत अच्छा नाटक करता है, नाचता है, अभिनेता है, यही नाम जाएगा ना। या चाहे कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, ज़्यादा से नाम जाएगा, लेकिन स्वर्ग में इसका नाम कोई जानता भी नहीं होगा। देवताओं के लोक में यहाँ के प्राइम मिनिस्टर और गवर्नर और राष्ट्रपति, इन लोगों का नाम भी लोग नहीं जानते होंगे। जैसे हम लोग नहीं जानते हैं, यदि मान लीजिए कुछ कीड़े हैं और उनका सरदार कोई है तो हम लोगों को क्या पता है? हम लोगों को पता नहीं है कि मच्छरों का मालिक कौन है। वैसे देवताओं को तो ये पता ही नहीं है कि इस पृथ्वी पर कौन क्या कर रहा है, कौन मालिक है, कौन क्या है। इतना बड़ा स्टैंडर्ड है उनका। पर श्री कृष्ण का जस सारी जगह फैला हुआ था, सब जगह। पाताल में बलि महाराज के पास फैला हुआ था, सुतल लोक में दैत्यों के पास, प्रहलाद महाराज के पास और बलि महाराज के पास जस फैला था। और जस किस चीज़ का जस? अद्भुत कर्मत्व, अद्भुत कर्म करने का जस। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण 7 दिन के थे जिस समय, तो इतना विशाल पर्वत उन्होंने उठा लिया, हाथ में धारण कर लिया, इतना कीर्तिमान कौन स्थापित करेगा? और सर्वत्र बात फैली। इस बात की खबर सबसे पहले इंद्र को ही मिली कि आपकी पूजा रोक दी गई और आपको जो भोग बना था सब पहाड़ को खिला दिया गया। वो तो खौफ हो गया, बिल्कुल गर्म दिमाग इंद्र का आया कि इन अहीरों की बस्तियों को, गायों को और इस पर्वत को जिसकी पूजा की गई, इसको इसको वज्र से मार मार करके मैं धूल बना दूंगा और प्रलयकालीन बादल भेजा कि तुम लोग बहा दो। नाम नाम निशान पता न लगे कि ब्रज कहाँ है, कहाँ ये गोप हैं और कहाँ गोवर्धन है। तो सबसे पहले खबर स्वर्ग में गए, स्वर्ग का राजा विरुद्ध बन करके आ गया। लेकिन भगवान ने 7 दिन 7 रात पर्वत धारण किया, क्योंकि इतने ही दिन तक वर्षा हुई थी, आंधी चली थी, तूफान, और ब्रजवासी सब गिरवर नीचे, सब ब्रजवासी नाच गा रहे थे, आनंद में थे, गौएं भी आनंद में थे। जब स्वर्ग में यह न्यूज सबसे पहले ही पहुंचा तो ब्रह्मा जी और सब जानते ही हैं, भगवान शिव को पता है और उस लोक के सभी प्राणियों को, यहाँ पर कौन ऐसा व्यक्ति है जिसका जस स्वर्ग में गया हो? स्वर्ग की बात छोड़ दीजिए, अमेरिका में भी नहीं पहुँचता है, अमेरिका में भी सब नहीं छपता है कि यहाँ ये हो रहा है, वो रहा है, वहाँ का अपना समाज है। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में ही जस नहीं फैलता है। वास्तव में किसी को देखना चाहिए तो भगवान कृष्ण को, क्या उनका जस है, क्या उनकी सुंदरता है। जहाँ गए वहाँ सभी लोग मोहित हो जाते थे, जहाँ भी गए। यहाँ तक पलक बनाने वाले ब्रह्मा को स्त्रियाँ गाली देती थी कि आँख पर पलक क्यों बनाया, पलक भर दर्शन व्यवधान उनको सहन नहीं होता। इतनी सुंदर थे, इतने सुंदर हैं, थे नहीं कहा, इतने सुंदर। और गायक, गायक इतने सुंदर गायक हैं, अपने बांसुरी पर जब तान छेड़ते हैं तो कौन नहीं मोहित हो जाता है। एक कवि ने लिखा है कि श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे, रूप गोस्वामी पाल ने उसको उद्धृत किया है, कोटेशन दिया है, श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं तो भगवान शेष नाग झूमने लगे और पृथ्वी हिलने लगी। तो देवता लोग ब्रह्मा जी के पास दौड़े कि कृष्ण की बांसुरी रुकवाइए, नहीं तो भूमंडल गिर जाएगा। तो शेष नाग मस्ती में हो रहे हैं पूरा।
भगवान के बांसुरी का गीत वहाँ तक पहुँचा है और उसको सुन करके भगवान संकर्षण झूम रहे हैं, तो मस्तक से फण से कहीं भूमंडल गिरा तो सब चौपट हो जाएंगे, दुनिया नष्ट हो जाएगी। इसीलिए ब्रह्मा जी से कहा गया, दौड़ दौड़ कर जा रहे देवता लोग कि कृष्ण की बंसी वादन लीला को रुकवाइए, तो बहुत भारी अनिष्ट हो जाएगा। ऐसे गिरा नहीं भूमंडल, बहुत संभाल करके झूम रहे थे। तो ये केवल कविता मात्र नहीं है, और श्री गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण आप बांसुरी बजाइए सब समय, आपको मना नहीं है, लेकिन भोजन पकाते समय मत बजाइए। क्यों? कि भोजन बनाते समय सूखी लकड़ियों में रस चुने लगता है और आग बुझ जाती है, हम लोग फूंकते फूंकते लाल आँखें वाली हो जाती हैं, आँखें लाल हो जाती हैं, इसलिए भोजन बनाते समय मत बजाइए, और समय में बजाइए कोई बात नहीं। मुरहर रंधन समय माँ कुरु मुरली लवम मधुरम, रंधन समय ये सब भगवान की लीलाएं हैं, यह है आज भी है भगवान के।